पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या यूपीआई से पैसा भेजने पर मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है? यूपीआई को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से यूपीआई से लेन देन महंगा हो जाएगा। राजनीतिक दल भी इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 1.1% टैक्स लगेगा, यानी 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन करने पर उसका 1.1% ग्राहकों को, व्यापारी को देना होगा। जबकि सच्चाई ये है कि इस तरह का कोई भी टैक्स यूपीआई ग्राहकों पर लगेगा ही नहीं। चाहे ग्राहक यूपीआई पेमेंट करे या फिर वॉलेट से पेमेंट करे, चाहे अपने सर्कल में करे या किसी दुकान या मॉल में पेमेंट करे, यूपीआई के जरिए बैंक टू बैंक भी पेमेंट करे, तो भी ग्राहक को एक भी पैसा पेमेंट के बदले देना ही नहीं है। यूपीआई की कुल ट्रांजैक्शन में से 99.9% पेमेंट वैसे भी यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक होती है, तो उसमें तो वैसे ही नहीं लगना। लेकिन नियम ग्राहकों के लिए है ही नहीं, तो ये जो बोला जा रहा है कि आपको टैक्स देना होगा, ग्राहक को पैसा देना ही नहीं भाई। वॉलेट के जरिए अगर व्यापारी 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करता है तो 1.1% का चार्ज व्यापारी को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आम लोगों को कोई चार्ज यूपीआई या वॉलेट पेमेंट में नहीं देना है। पहले की तरह ही जैसे पेमेंट यूपीआई से होता था वैसे होता रहेगा। कोई फर्जी खबर फैलाए, झूठा ट्वीट करे, कुछ भी करे, उसमें फंसना नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खबर पर अपना पक्ष रख चुका है। वो कह रहा है कि यूपीआई से भुगतान करना पूरी तरह से फ्री, फास्ट और सुरक्षित है। हर महीने 800 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन इसी तरह से होते हैं। 1 अप्रैल से पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर इंटरचेंज लगाया जा रहा है। ये इंटरचेंज चार्ज ग्राहकों को नहीं देना होगा। इस इंटरचेंज की समीक्षा 30 सितंबर 2023 को की भी जाएगी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक वॉलेट की तरह है जिसमें पैसा डाल सकते हैं और बाद में कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक कार्ड, पेटीएम, मोबीक्विक, गिफ्ट कार्ड, पीपीआई होते हैं। तो इसलिए आप जो है धड़ल्ले से जैसे यूपीआई से आराम से पेमेंट करते थे, कीजिए, कुछ नहीं बदला है, सब ऐसा ही है।